यहाँ पे मैं जिमनन बात कर दूं, मैंने दो तीन दफा अपनी वीडियोस में ये बात की है जिसे आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बाद लोग कोट कर रहे हैं। क्या बोला तूने? जिसे आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बाद लोग कोट कर रहे हैं। झूठ। करियली भाई ने कहा कि हमें और हमारे स्टूडेंट को नबी इस्लाम उनके साथियों से ज्यादा तकलीफ उठानी पड़ रही है, नाउज़ बिल्लाह। ये तो मैंने बात ही नहीं की थी। झूठ। मैंने ये कहा था, पहली तो बात है नबी इस्लाम का तो जिक्र हुआ नहीं था। पब्लिक को कहानी कराई है, बड़े फिट गोली फिट कराई ने। मैंने ये कहा था कि हमारे स्टूडेंट्स को बाज एतबार से सहाबा इकराम अली रिदवान से ज्यादा तकलीफ उठानी पड़ रही है। अरे कहना क्या चाहते हो? बाज एतबार से। इधर आप नोट कीजिएगा, इधर आप नोट कीजिएगा, मनहूस आदमी भाई मनहूस। इधर आप नोट कीजिएगा, रुक तेरे को बताते तेरी। नबी इस्लाम के जमाने से ज्यादा सख्त वक्त है हम पर। अच्छा, नबी इस्लाम जब मक्के में थे आपके मुखालफीन कौन थे? काफिर। क्लियर था ना, ये मुसलमान ही काफिर। हमारे मुखालफीन वो हैं जो हमें काफिर समझते हैं और खुद को ज्यादा बड़ा आशिक रसूल और मुसलमान समझते हैं। मुझे बताइए, ज्यादा मुश्किल वक्त है या साहबा पे ज्यादा मुश्किल वक्त था? करियली भाई ने कहा कि हमें और हमारे स्टूडेंट को नबी इस्लाम उनके साथियों से ज्यादा तकलीफ उठानी पड़ रही है, नाउज़ बिल्लाह। ये तो मैंने बात ही नहीं की थी। नबी इस्लाम के जमाने से ज्यादा सख्त वक्त है हम पर। मैंने ये कहा था, पहली तो बात है नबी इस्लाम का तो जिक्र हुआ नहीं था। ना ना ना, नबी इस्लाम के जमाने से ज्यादा सख्त वक्त है हम पर। मैंने ये कहा था, पहली तो बात है नबी इस्लाम का तो जिक्र हुआ नहीं था। मैं पागल हूं, मैं पागल हूं। मैंने ये कहा था कि हमारे स्टूडेंट्स को बाज एतबार से सहाबा इकराम अली रिदवान से ज्यादा तकलीफ उठानी पड़ रही है, बाज एतबार से। इधर आप नोट कीजिएगा, ज्यादा मुश्किल वक्त है या सहाबा पे ज्यादा मुश्किल वक्त था? हमारे स्टूडेंट्स को बाज एतबार से सहाबा इकराम अली रिदवान से ज्यादा तकलीफ उठानी पड़ रही है, बाज एतबार से। ज्यादा मुश्किल वक्त है या सहाबा पे ज्यादा मुश्किल वक्त था? इधर आप नोट कीजिएगा, ज्यादा मुश्किल वक्त है या सहाबा पे ज्यादा मुश्किल वक्त था? इधर आप नोट कीजिएगा। ओ मेरे भाई, बाकी लोग वर्किंग के बगैर बोलते हैं ना, हम पूरी वर्किंग करके बोलते हैं। लानत है तेरे ऐसे अकीदे के ऊपर।